कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमो लोये सव्यसाहूरम। बोलो शासन्यायिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेवी 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि संघ की। माटी के माथे पर पदों का निक्षेप हो, अर्थात माटी को कुचलने का उद्यम हो रहा है, उस समय कुछ आपस में चर्चाएं चालू होती हैं और आपस में चर्चा के माध्यम से माटी को तो कोई विकल्प नहीं है, माटी तो प्रतीक्षा में बैठी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई एक तपस्वी है, वो तप की आराधना करता है, लेकिन उस तप की आराधना को देख करके जैसे दूसरे लोगों को विकल्प होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो तो अपने आप को मन से तैयार है, लेकिन दूसरे वाले थोड़े से मानस रूप से तैयार नहीं होते। आज का प्रसंग भी बिल्कुल वैसा ही है कि आज इंद्रियों के माध्यम से कुछ माटी के उस प्रसंग को नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पांचों इंद्रियां हैं आप लोगों के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत होने वाली हैं। क्या है तो देखते हैं। आज का प्रसंग अपन आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 115 पर लिखा है आगे से मुख माटी का। आज माटी में उतावले की लहर दौड़ आती है। माटी में उतावले की लहर दौड़ आती है, इससे तो आंवली की भी जहर छोड़ जाती है। जहाँ स्थित जो आंवली यानी एक क्षण की आंवली जो क्षण वाली है, उस पर जहर को भी छोड़, उनमें किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं, कोई जहर नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं। यहाँ से आगे अब क्या घटता है पता नहीं। उस घटना का घटक वह है, किस रूप में उभर आएगा सामने सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार हुआ है कब तक टिकेगा, उसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। किसकी गोद में है? अब आगे क्या होने वाला है, जैसे अपन करते ना कि इसने अब पैरों से रौंदा है माटी को, और पैरों से रौंदने के बाद अब क्या होगा। अपन जैसे कोई भी किसी को छेड़ देते हैं या किसी से कुछ बुराई मोल ले लेते हैं या किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े में हुआ ये कि आज तो हमने उसको अच्छी खूब सुना डाली, जो भी मन में आए सो सब कुछ कह डाला। अब हमने कह तो दी, अब उसका मन में एक मन किससे भर जाता है, संसद से भर जाता है। सोचता है पता नहीं आज हमने कह तो दी उनके लिए, उसने सुन तो लिए चुपचाप, अब क्या करेगा,
क्या करने वाला है, क्या जवाब मिलने वाला है, वो हमेशा प्रतीक्षा में रहता है। ऐसे ही यहां पर भी वो यहां से आगे क्या घटता है पता नहीं, घटना का घटक हुआ है किस रूप में उभर आएगा सामने, ये कर तो दिया है, माटी को मैंने पैरों से रौंद दिया है, अब किस रूप में आएगा, ओह आया हुआ उभार हुआ है कब तक टिकेगा, जो हमने कहा है जो उभार दिया है वो कब तक टिकेगा। भवन परंतु नहीं, उसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। किसकी गोद में है, भविष्य के गर्त में या भविष्य की गोद में समाया हुआ है। परंतु भवन भूत भविष्य वेत्ता, एक और है, भवन जो है वो भूत है और भविष्य जो है वो है बीता है। बीता से आज तक कोई भी जितने भी हैं किसी ज्योतिषी के पास जाओ उससे पूछो तो कोई ये पूछता कि मेरा पहले क्या हुआ ये बताओ, कोई नहीं पूछता, यही पूछते आगे क्या होगा जा बताओ, यही पूछते हो आगे हमारा कैसों का है ये बताओ। इसलिए यहां भवन जो हो गया है वर्तमान में वो तो क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा, एक क्षण बाद एक समय बाद अगला वही पल भूत बन जाता है जो व्यतीत हो गया। भवन तो होता है भूत, लेकिन भविष्य क्या बन जाता है, बेता, जानने की इच्छा, जानने वाला यही है, क्योंकि जो जो भी हो रहा है भविष्य ही ज्ञान गम्य बनने वाला है, भूत तो ज्ञान गम्य हो चुका। अब भूत को तुमने एक बार जिसको ज्ञान का विषय बना लिया है उसको पुनः आप ज्ञान का विषय नहीं बना सकते, या ज्ञान का अनुभव का, ज्ञान का नहीं अनुभव का विषय नहीं बना सकते, क्योंकि जो व्यतीत हो गया है उसको पुनः अनुभव में नहीं लाया जा सकता। हाँ, आपको जानकारी आपके ज्ञान के पटल पर वो छाप तो छोड़ के जा सकता है। ऐसे ही व्यक्ति का भविष्य उसके वेत्ता के रूप में सामने होता है, जानने की इच्छा होती है कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक व्यक्ति ने कुछ धंधा पैसा जुटा करके काम धंधा चालू किया, अब बार बार वो सोचता है हमने धंधा चालू तो कर दिया है, पैसा तो लगा लिया है, अब इस पैसे का हमने लगा दिया है दुकान का क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना, आमदनी होगी कि नहीं होगी, कोई भी बात है, कल क्या होगा, आज तो अच्छा हो गया, कल और क्या होगा, और फिर बाद में सोचता है अब परसों आने वाला समय सीजन का समय, उस सीजन में क्या होगा, हमेशा एक जिज्ञासाएं भरी रहती है उसके मन में, हमेशा भविष्य के गर्त में बीता बना हुआ जानने की प्रणति में रमा रहता है और उसी को जानने की चेष्टा करता है। इसलिए ज्योतिषी कभी भी आदमी के भूत को नहीं बताते, और वर्तमान तो अनुभव कर ही रहा है, उसको बताने की जरूरत है ही नहीं है, किसको बताते हैं, इसलिए उनको क्या कहा, भविष्य वक्ता, एक शब्द का, ये भविष्य के वक्ता है, ये वर्तमान और भूत के वक्ता नहीं है, और कोई भी जो बीत गया है उसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसे सब पता है, बस जानने की जिज्ञासा, जानने की अपेक्षा अगर है
वैसे भी अगर आपसे हमारे कर्म सिद्धांत का चिंतन आप करो, हर व्यक्ति को अपना भविष्य पता चल सकता है, आपको अपने भविष्य का ज्ञान हो सकता है, पर कैसे हो, यही होगा। हमारे यहाँ का कर्म सिद्धांत कहता है कि अगर तुमने पाप के बीज डाले हैं तो फल भी किसके लगेंगे, पाप के ही लगेंगे, और पुण्य के बीज डाले हैं तो भविष्य में फल किसके लगेंगे, इतनी सी तो बात है। भविष्य को जानना कोई बड़ी बात है? नहीं महाराज, हमें तो नहीं पता कि हमने पहले कैसे डाले हैं, क्योंकि जो डाल चुके हैं वो तो हमें पता है नहीं है, इस भाव में अनेक भाव में। लेकिन इतना ही है कि आप तो हमारे हाथ की रेखाएं देख के बता दो कि आगे क्या होने वालों है। भविष्य वक्ता के पास या कोई हस्तरेखा कला वेद के पास जाते हैं, हाथ दिखा देते हैं, और हाथ दिखा करके ये कहा कहते हैं कि अब हमारा ऐसा हाथों को देख देख करके लोग उसकी अपने अंदर की झांकने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग है, करीब करीब 90 के करीब करीब की बात होना चाहिए। आचार्य जी का विहार चल रहा था नरसिंहपुर के, श्रवण पंच कल्याण के बाद नरसिंहपुर की ओर जा रहे थे। उस समय हमारे एक महाराज थे और हुआ ये कि गर्मी का समय था थोड़ा सा, तो बैठे थे ऐसे आचार्य के पास, हम लोग भी ब्रह्मचारी थे उस समय। तो वो महाराज कहते, महाराज अपने हाथ को दिखा करके ऐसे, हमारे हाथ में हमारी रेखा बहुत कमजोर है और लगता है हमारी आयु रेखा थोड़ी सी कम है। अच्छा, आचार्य जी के मन में उस समय जब उन्होंने कहा तो उस समय एक उन्होंने एक कर रेखा करके नाम से कविता लिखी थी, करपत्री, और वो उन्होंने लिखा और लिख करके उसमें कहा, अरे कर को देखो नहीं, कर्तव्य को देखो। किसको देखो? हाथों को देख देख करके अपने आप को कमजोर मत बनाओ, इन हाथों का उपयोग करो। हाथों की रेखाएं बनती नहीं, बनाई कर्तव्यशील व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने कर्तव्य पर भरोसा है, और अपना कर्तव्य पर जिसे भरोसा है वो चिंता नहीं करता कि अब आयु कितनी है। जिन्हें आयु की चिंता हो, अरे तुम्हें किस चीज की चिंता है, ठीक है कोई बात नहीं, कम ही तो है, लेकिन ये बात रहे कम आयु में भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। कभी कभार 100-100 वर्ष की आयु में जो काम नहीं होते वो 4 दर की जिंदगी में काम हो जाते हैं। नहीं कर पाते हैं वो काम, वो 4 दिन में कर करके अपने आप को सफल बना लेते हैं। इसलिए ज्यादा अपने हाथों को मत देखो, किस पर रखो। इसलिए भविष्य हमेशा व्यक्ति को आस जगाता है, क्या होगा क्या होगा, ऐसा सोचता है। वही बात मुखमाटी में, यहां भवन भूत भविष्य वेत्ता, जानने का जानने वाला सो बेता, भगवत बोध बार बार भास्वत है। ऐसा भगवत का जो बोध है यानी ज्ञान, उसमें बार बार भासित है, हमेशा प्रकाशित है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, वह शाश्वत है, बिल्कुल प्रकाशमान है। ऐसा
माटी की वह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है, मौन में समाती है यानी लीन हो जाती है। उसने मन में ये जिज्ञासा की है, पता नहीं अब क्या होगा कैसा होगा, ये मन में भाव उसके आया है। और मन में भाव आया है तो उसके बस मन ही मन ऐसे सोचे, जैसे आप लोग सोचते हो कोई भी काम करते हो, कितना विचार करते हो, सोचते रहते हैं अब ऐसा होगा, अब ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वे ना हो जाए, बहुत कुछ है ऐसे उसके मन में भी यही भाव। पर माटी की वह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है, मिलान बना शिल्पी का मन यानी थका हुआ मिलान यानी जब कोई काम करते करते बहुत काम हो जाता है तो आदमी कहता है अब तो बहुत हो गई, बस अब थोड़ा सा क्या करें, आराम करें। मिलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है किसको, मौन को। मिलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है किसको, मौन को। पदों को आज्ञा देने में पूर्णता समर्थ रहा। अब कहते भाई आप थक गए हो, अब तुम्हें काम करने की क्या है क्षमता, आज्ञा देने में पूर्णता समर्थ रहा और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे, मुख क्या कहे बिना मन का संकेत। एक और है, जब तक संकेत आदर नहीं होता तब तक वचन नहीं होते। आपका जो भी विचार होता है, आपका जो भी बोलना होता है, मन से पहले सोचना होता है फिर बाद में बोलना होता है, बिना सोचे कोई भी बोल नहीं सकता। या पहले कोई किसी की बात आपने सुनी है और सुनकर के उसका जवाब देना है, और जवाब देना है तो मन क्या करता है, वही बात, मन के संकेत पाए बिना भला मुख क्या कहे, कुछ कह नहीं सकता, कुछ अपने शब्द हो नहीं सकता। अब आता है देखिए, इंद्रियों की अब व्याख्याएं चालू हो रही हैं, पांच इंद्रियां हैं, मन कुछ नहीं कह सकता है। अब पांच इंद्रियां हैं आप लोगों के सामने आ रही हैं, इस पर रसना इंद्री कह उठी, कौन इंद्री कह उठी, क्योंकि मन तो क्या हो गया है, मौन, मौन संकेत बिना है भला क्या कहे, कुछ कहने वाला नहीं है। इस पर रसना इंद्री कह उठी अनुचित संकेत की अनुचरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव